ओम शांति। समस्तंकु आंतरिक ईश्वरीय शुभाभिनंदन जणाई सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय कथावस्तुर उपस्थापना करिबा पई मु पुणि थरे आपण मानंक सम्मुखरे उपस्थित। कथारे अछि चारिटि बिगिन्स एट होम। ईश्वरीय मत अनुसारे दान पुण्य प्रथमे निज घरु ही आरंभ होइथाय। निजर परिवार संपर्कीय मानंकु प्रथमे एही आत्मज्ञान प्रदान कर, सेमानंकर कल्याण कर, कारण वर्तमान एही तमो प्रधान दुनिया रे काहाकु मध्य आत्मा एवं परमात्मांकर ज्ञान एवं सृष्टि चक्र रहस्य जणा नहीं। समस्ते शास्त्र आदि पढ़ुछंती सुनुछंती किंतु तार सारमर्म को न जानिथिबा कारणरु निज पई संसारी पर पई ब्रह्मज्ञानी साजी जाउछंती, जहार फल को आमे माने वर्तमान समस्ते अनुभव करुछे प्रत्येक मुहूर्त रे। एहा सबु घटिबार मुख्य कारणटि हेउछि देहर बंधन, देहर स्मृति बा देहर अहंकार, जहाँ जन्म जन्म धरी अभ्यासगत हो जाइछि। तेणु निराकार परमात्मा विदेही शिव बाबा वर्तमान आसिछंती निर्देश देउछंती कि पिलामाने प्रतिदिन सकाळु सकाळु अर्थात ब्रह्म मुहूर्तरु उठी बहुत बहुत स्नेहर सहित मते मने पकाओ, निज को आत्मा मने कर एवं मु जहा कहुछि बा सुनौछि केवल ताकु ही सुण, से ही अनुसारे चाल। जदि मनरे व्यर्थ संकल्प बा व्यर्थ विचार आसुछि तेबे जणा जीव मते मने पकौ नाह। सेथिपाई निज सहित निजे प्रतिज्ञा कर जे चालीबा बुलीबा खाइबा भोजन प्रस्तुत करिबा समय रे मध्य बुद्धिर जोग एकमात्र बाबांक सहित लागि रहु, तेबे आत्मा रूपक सुनारु पंच विकार रूपक खाद बाहरी जाय, आत्मा संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान दैवी गुण संपन्न पूज्य होइजिव। बाबा कहुछंती भक्ति मार्गरे जहा किछि शास्त्र आदि सुनिछ कर्मकांड आदि करिछ ताहा सबु भूली एक मोरी मतरे चाल, मोरी स्मृतिरे रुह। कारण शास्त्र मत गुरु मत आदिरे चाली वर्तमान आमर किभलि अवस्था ताहा समस्त अनुभव करुछंती। निजर निज परिवारर तथा सारा विश्वर कल्याण करिवार पुरुषार्थ करिवा दरकार। व्यर्थ चिंतन ठारु निजकु दूरे रखिबा पई बा व्यर्थ चिंतन ठारु मुक्त रहिबा पई सकाळु सकाळु ब्रह्म मुहूर्तरु उठि विचार सागर मंथन करिबाकु हेब, अर्थात मु जेउ ज्ञान सुनौछि ताहाकु चिंतन मंथन करिबा सहित मोरि स्मृति रे निरंतर रहिबा आवश्यक। भगवान कहुछंती जेपरि बुद्धिमान व्यक्ति कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु आग पछ विचार करिथांती, सेहिपरि तुमे आत्मिक संतान माने प्रथमे तीनि कालकु सम्मुखरे रखि कौनसी कार्य करिबा दरकार। केवल वर्तमान को देखिले हेबो नाही, विशाल बुद्धि होई निश्चयता रखि त्रिकालदर्शी स्थितिर आधार रे प्रत्येक कर्म कर बा प्रत्येक वाणी सुनाओ, तेबे तुमे असाधारण अलौकिक शक्ति संपन्न होइजिवो।
ସେଥିପାଇଁ ବିନାଶୀ ଆଧାର ବା ସାହାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାରା କରିଦିଅ, ତେବେ ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି ଏହିଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବାଲା ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ନେଇ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।